वेलकम बैक टू अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं करने वाली हूँ मैगी वायरल हैक टेस्ट, जो सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं। मैगी से रिलेटेड कुछ वायरल हैक्स हैं, तो आज मैं उन सबको ट्राई करने वाली हूँ। तो मैं आज 5 मैगी हैक ट्राई करती हूँ, तो जिसके अंदर मेरे पास सबसे पहले है ये मैगी हैक जो आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जिसके अंदर तो एक मैगी का पाउच लेते हैं, फिर उसको स्क्वायर शेप के अंदर कट कर लेते हैं और उसके ऊपर वो जो मसाला होता है वो डाल देते हैं और वो गर्म पानी डाल देते हैं एकदम। उसको 2 मिनट के लिए कुछ भी चीज़ के ऊपर रख देते हैं, जैसे इसके अंदर रखा है फ़ोन कवर, नहीं फ़ोन रखा है, तो इसके ऊपर कुछ भी रख सकते हो। 2 मिनट तक का वेट करना और मैगी हमारी रेडी हो जाती है। तो हम वायरल हैक चेक करने वाले हैं कि ये ऐसा रियल में होता है या फेल है ये जो टेस्ट। तो अभी हम इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया मैगी, इसको मैं कट कर लेती हूँ इस फॉर्म के अंदर। मैं इसको यहाँ पे ऐसे कट कर लिया और इसके अंदर पहले डालना है ये मसाला इसका, इसको इसके अंदर डालना है एकदम ये गर्म पानी। पानी बहुत गर्म है, बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। तो मैं इसको कवर कर देती हूँ पहले इससे, फिर मैं डाल देती हूँ अपना फोन कवर। अब इसका 2 मिनट तक का वेट करते हैं। तो 2 मिनट मेरा भी हो चुके, अब मैं इसको करती हूँ ट्राई। और ये 40% ऑलमोस्ट है ना, ये हो चुकी है, मतलब थोड़ी बहुत ही कुक हुई, ज्यादा नहीं हुई। बाकी इसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा गर्म पानी डाला, तो आप देख सकते हो इसमें कितनी अच्छे से निकल रही है। हाँ, ये खाने लायक नहीं है, बाकी ये 30-40% ये हुई है कुक, है ना, उधर हुई है ना, बहुत सॉफ्ट हो गई है। मतलब जितनी ये हार्ड थी आप देख सकते हो कितनी सॉफ्ट हुई है। तो ये हैक थोड़ा बहुत काम करता है। अगर इसको मैं 10 मिनट तक रखती और भी ज़्यादा इसके ऊपर कुछ हार्ड चीज़ इसके ऊपर कवर करके रखती तो ये शायद पूरी बन सकती थी, शायद ही, अदरवाइज बाकी थोड़ा बहुत हैक सही है। तो अभी मैं इसको खा के देखती हूँ ये कैसा है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इस हैक को खा के ट्राई करूँगी कि ये एकदम सही हुई या नहीं हुई। दिखने में तो सॉफ्ट लग रही है, तो अभी इसको मैं खाती हूँ। तो ये 40% कुक हो चुकी है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखना, 40% टोटली कुक है। तो ये हैक होता है आधा पास आधा फेल। फ्रेंड्स, अभी हम सेकंड हैक ट्राई करने वाले हैं, जिसके अंदर ये होता है कि अगर किसी को चाइनीज लैंग्वेज लिखनी नहीं आती तो आप इस हैक की वजह से आप चाइनीज लिख सकते हैं। तो बताओ कैसे, तो आप देखिए आपको क्या करना है, मैगी के ऊपर बस ये मार्कर कट देना है पूरा, फिर आप उसको व्हाइट पेपर के ऊपर डालना है और आपकी चाइनीज लिखी हुई हो जाएगी। मतलब जिसको अगर चाइनीज लिखना नहीं आता वो इस हैक की वजह से चाइनीज लिख सकता है, समझने का तो नहीं बट लिख जरूर सकता है। तो चलिए हम इस हैक को ट्राई करते हैं कि ये पॉसिबल है या ये ऐसे ही वायरल हो रहा है। तो चलिए चलते हैं कि अब इसके ऊपर मैं ये ड्रॉ कर देती हूँ इसको पूरा एकदम। मैं क्योंकि कर ली, अब मैं इसमें डालती हूँ कि इसमें चाइनीज लैंग्वेज का अब हम करने वाले हैं। One eternity later. तो ये रही हमारी चाइनीज लैंग्वेज रिटन इन दिस पेज। कुछ तो लिखा है, और जब कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो वो चाइनीज लैंग्वेज ही होती है। तो ये मेरा जो हैक है मैगी वाला, ये होता है फेल। सो फ्रेंड्स, अब हम थर्ड मैगी के साथ जो अत्याचार करने वाले वो है रूह अफजा वाली मैगी। तो हम बनाने वाले रूह अफजा वाली मैगी। मैगी तो हर किसी ने कही अलग अलग तरह की, वेज मैगी, सिंपल मैगी, चीज़ मैगी। तो आज हम खाने वाले हैं रूह अफजा वाली मैगी, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है करते, तो आज इसको मैं ट्राई करने वाली हूँ कैसी होती है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं टेस्ट करने वाली हूँ ये मेरी रूह अफजा वाली मैगी। मतलब इसको टेस्ट करने के लिए भी मेरे को इतनी हिम्मत लेनी है, क्योंकि बहुत अजीब सी इसकी स्मेल भी बहुत अजीब आ रही है। इधर मैगी मसाले की स्मेल आ रही है, इधर ये मीठी मीठी थोड़ी रूह अफजा की स्मेल आ रही है, तो बहुत अजीब सा है। अभी मैं इसको टेस्ट करके देखती हूँ ये कैसा बना होगा। ऑब्वियसली बात है बहुत बुरा बना होगा, बट मैं इसको टेस्ट करना है मेरे को ये कैसा बना है। बहुत
ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाली मैगी सबसे वर्स्ट थिंग थी आज तक। मैंने इससे गंदी चीज तो शायद ही खाई होगी, इतना अजीब इसका, इतना गंदा टेस्ट। मतलब इसको एक बार मुंह में खाते मेरे को उल्टी जैसा होने लगा था, बहुत अजीब है क्योंकि स्मेल इतनी गंदी है। उसको अगर किसी को भी ट्राई करना जरूर ट्राई करके देखिएगा। बस थोड़ी सी मैगी में रोफ डालना, पूरी में मत डालना तो पूरी वेस्ट होगी, जैसे मेरी पूरी वेस्ट होने वाली है। मतलब बहुत ही गंदा टेस्ट है, इससे ज़्यादा गंदी चीज़ शायद ही मैंने आज तक खाई होगी, बहुत गंदा टेस्ट है। अरे जैसे मैंने इंस्टाग्राम पे कहीं पे देखा था, लोग सेल करते हैं रूह वाली मैगी, कौन खरीदता होगा, कौन खाता होगा इसे। बट ऑब्वियसली जो भी इसको खाता है खरीदता है वो सिर्फ एक बार टेस्ट करने के लिए, अपनी वो देखने के लिए कि मैगी कैसी होगी, इसलिए लेता हूँ। बाकी किसी को खाने का ये तो है नहीं कि किसी को टेस्ट लेती है, किसी की फेवरेट होगी, बहुत बकवास है ये तो पूरी तरीके से फेल। सो फ्रेंड, जो मैं अभी मैगी के साथ जो नेक्स्ट हैक करने वाली हूँ, जिसका आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने कभी ट्राई किया होगा, तो अभी मैं इसको करती हूँ ट्राई। इसके अंदर क्या है कि मैगी और ओरियो केक बनाते हैं हम, जिसके अंदर मैगी बॉईल करनी है, ओरियो को क्रश करके डाल देना है, फिर उसको एकदम बाउल के अंदर डाल के उस पर क्रीम वगैरह लगा के, जेम्स वगैरह लगा के इसको गार्निश कर देना अच्छे से। और ये हमारा बन गया ओरियो मैगी केक। तो हम इसको अभी बनाते हैं, ये कैसा बनता है। ये मैगी के साथ सबसे ज़्यादा खतरनाक वाला अत्याचार है, साथ ओरियो बिस्किट के साथ। जिसको केक पसंद है उसके साथ भी, जो इसको ओरियो पसंद है उसके साथ भी अत्याचार है। मतलब इसमें भरपूर अत्याचार हुआ है मैगी के साथ। तो हम देखते हैं ये कैसा होता है। मैगी, फिर हम बनाएंगे इसका केक। तो ये मैंने जो ओरियो मैगी केक बनाया था उसको मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दिया। अब मैं इसको उल्टा करके इसको ऐसे निकालती हूँ इसका केक बनने का। सो यर माय ओरियो मैगी केक इज़ रेडी। अब इसको कट करके देखते हैं, दिखने में तो मस्त लग रहा है, और ये दिखने में कितना मस्त लग रहा है, बट ये खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। सो यर इज ये रहा केक, दिखने में बहुत मस्त लग रहा है। अगर ये सिर्फ ओरियो केक होता तो इसको मैं ज़रूर खाती, बट इसको मैं बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी।